हेलो भाई, मैं निखिल। और आज अपन ने मूवी बोने की तैयारी कर दी है। मैं ट्राली खोलने आ गया था तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया, और मैंने ट्राली वो अपने जहाँ से कल्टीवेटर निकाला था वो वहाँ से अंदर करके, और अपने टापरी के साइड में जो जगह है ना अपने अल्टीमेटर रखने की, वहाँ पर मैंने उसको खोल दी है। नहीं तो हर बार हम जो यहीं पर खोलते थे नहर पर ही, और जहाँ से पैदल जाते थे, तो इस बार हमने वहीं खोल दिया कि कहाँ इतना सूखा खेत तो है। वैसे कोई ऐसा दबने का भी रोल नहीं है कि दब जाएगा गेहूँ, अपना मूंग दब जाएगी, ऐसे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो वहीं पर खोल दिया, अभी जूम करके दिखाता हूँ। वो वहीं पर खोल दिया टापरी के साइड में। अभी घर जाता हूँ और खाना खा के फिर सिडिल लेके आते हैं, तो फिर आज मूंग बो देते हैं बढ़िया से। सी फर्स्ट मछली, और ये अपना नाका, यहाँ से फिर ट्राली लेके गया मैं और उधर घूमा घूमू के, और वो वहाँ टापरी के साइड में खड़ी कर दी। ये चक्री एक बनी, और ट्रैक्टर तो मैंने उधर से लिया आया, सिडिल लेके जाएंगे अब वो कोने उधर से बो देंगे अपन। और मतलब जब ट्राली मतलब ज़्यादा चक्री तो नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक दूसरा रोड है अपने पास, वहाँ से सिडिल कल्टीवेटर ये तो चल जाती है, बट सिर्फ ट्राली नहीं जाती उस पर। तो पतली जगह है नहर पे, से अंदर घुमाने में भी दिक्कत आएगी। बाकी अभी चलते हैं घर और खाना खा के फिर सिडिल लेके आता हूँ और फिर मूंग मोनी दिखाता हूँ। अभी भाई कर दिए सिडिल स्टार्ट, और वो गेहूँ से लेकर जहाँ तक कर लिया, थोड़ा सेटलमेंट जमाना पड़ रहा क्योंकि इस साल में अभी पहली बार सिडिल चल रही है ये वाली, तो थोड़ा सेटिंग जमाना पड़ेगा। तो सेटिंग तो सब जम गई है, काम भी स्टार्ट हो गया है। और चना वाला खेत पकड़ा था उस दिन, डीम निकले थे बड़े बड़े से, ज़्यादा नहीं निकले थे, बस हल्के से लगे थे कहीं कहीं कहीं, जहाँ फल्ला ज़्यादा लग जाए वहाँ की जगह निकल जाते हैं। तो अब ज़्यादा भगाने में भी क्या है, फिर वो मूंग मतलब चकरी के हिसाब से नहीं गिरेगी, अपने आप दचके में हिलते हिलते गिर जाएगी, इसलिए वो भी दिक्कत है। इसलिए ज़्यादा आराम से चलाते हैं। मैं चला रहा हूँ अभी मीडियम के 3 नंबर में इसको, और देखते हैं अगर मज़ा नहीं आया तो 1 नंबर में भी चला लेंगे। और सिडिल चल रही है अपनी पुरानी वाली, वो जो सिडिल है वो डॉलर वाली है, तो उसमें मूंग वूंग तो जमता नहीं है, तो इससे ही बोएंगे, और उसका कुछ अनुमान भी नहीं है अभी कि उसमें मूंग कितना बोना है क्या बोना है, इसलिए चलो ठीक है। तो अभी मिलते हैं फिर बाद में। हाँ तो भाई खेत हो गया है यहाँ तक, मतलब टापरे के इधर उधर से पूरा हो गया। मैं ट्रैक्टर चला रहा था तो वीडियो नहीं बना पाया मैं, और मूंग जो मिली थी वो तो ख़त्म हो गई, अब दूसरी मिलाना पड़ेगा, ट्राली में यहीं पर रखी है। और इतना कुछ बचा है यहाँ से गेट तक अपने रोड तक, और डीचर भी लिया है नाली खींचने के लिए, और ट्राली में भी नाश्ता भी नहीं है। बिना मिली चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब भाई कोना बचा है लास्ट का, और दुनिया का सबसे बोरिंग काम है ये इतना सा कोना बनना। इतना सा एक सिडिल का और रिया, फिर मेहर मारना है, तो चलो वो बुआ के फिर मिलते हैं। और मैं चल दिया हूँ उधर वाले खेत में, क्योंकि न्यूहालैंड से उधर बोने की तैयारी कर दी है। तो ये सिडिल उधर पटकता आता हूँ मैं, फिर अपन वापस इधर आ जाएंगे, तो अपन नाली प्लस ट्राली दोनों चीज़ अपन घर ले चलेंगे, नाली खींच के मतलब, और शेड्यूल का काम हो गया है। तो अपने पास यही वाली शेड्यूल है मूंग बोने के लिए, क्योंकि वो तो डॉलर वाली, उसमें मतलब कुछ अंदाजा नहीं है उसका मूंग बोने काम को, तो अपने पास दो है तो क्या ज़रूरी है क्या दो ही चलाएं साथ में। चलो अभी चलते हैं सीधा घर, एक बार मैं रास्ते में फ़ोन लगा पूछ लूँगा कि शेड्यूल घर लाऊँ या सीधे खेत में, देखते हैं। तो भाई बात हो गई है, तो खेत में बुलाया सीधे, तो अपन चल रहे हैं खेत में, और ये गेहूँ पूरे चकाचक हो गए, मतलब पूरे कंप्लीट हो गए तैयार कटने के लिए, पता नहीं हार्वेस्टर क्यों नहीं लगाई। तो
लो अपने को क्या करना, लगा लगा मत लगा। गाड़ी भी आ रही है पीछे से, मैंने पट्टी भी ले आया हूँ कि इधर से खाली ट्रैक्टर ले चलेंगे और वहाँ पर नाली खींच देंगे, साथ में ही अपन ट्राली भी ले आएंगे, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो भाई चल दिया हूँ वापस, अपने खेत में चलते हैं वापस। और उधर हालेंड थोड़ा चालू भी करवा दिया था मैंने, और चलते हैं आप सीधे वही खेत में। हाँ तो भाई हो गया नाली खींचना चालू, मतलब चालू क्या, चालू तो बहुत देर का हो गया, नाली खींचा रही इधर, बाकी इधर तो खींच दिए। और नाली ज़्यादा खींच रहे हैं क्योंकि मतलब मूंग उससे सड़ते नहीं है, कारण कि अपन ज़्यादा लंबा पानी मतलब हर कहीं से लगा सकते हैं ना नाली रहती तो। अब ये पानी अपन को यहाँ से सीधा भेजना है तो अपन वहाँ से आगे से भी ला सकते हैं, हर बार यहीं से नहीं ले जाना अपन को, इसलिए ज़्यादा नाली खींच रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, एक दो ज़्यादा होगी बस। और ट्राली में सब सामान रखा गया है, बस नाली हो जाए कंप्लीट फिर चलते हैं घर, फिर एक बार उधर हॉलैंड तरफ घूम के आएंगे। उधर भी चल रही है बोनी, इस सामान में कुछ नहीं, और ये बल्ब लगाना है यहाँ की जगह, ऊपर पट्टी इधर ही पड़ी है। और बाकी अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि पानी स्टार्ट होगा जब से ही है, बाकी सब सामान तो सब जब ही रखाएगा। अभी तो यहाँ खाली बस स्टार्टर लगा है अंदर और कुछ भी नहीं है। स्टार्टर लगा है, एक होल्डर लगा है यहाँ पर, और ये बल्ब लगा है एक, और बाकी ये दवाई देने का सिस्टम रखा है यहाँ पर, मतलब कुप्पा है खाली और एक बाल्टी रखी है। बाकी सब सामान अब धीरे धीरे आते रहेंगे, और ये अपनी ट्राली हट जाएगी यहाँ पर, फिर अल्टरनेटर खड़ा होगा यहाँ पर, ये अल्टरनेटर की जगह बना ली और अपने उठने बैठने की यहाँ पर बढ़िया जगह। और ये रोड बहुत पतला है तो हमको नाका उधर से बनाना पड़ता है, वो नाका हमको बनाना पड़ता है हर बार, मतलब बनाना क्या उसमें खोलना ही पड़ता है वो तो, क्योंकि ये रोड तो बहुत पतला है और ये यहीं तक अच्छे से रखा है हमने, बाकी उधर तो सब ख़त्म ही कर दिया यहाँ से आगे तक। और अभी हवा भी चल रही है, मौसम भी हो रहा है पानी का, ये यहाँ तक ये रोड, इधर ख़त्म है फिर आगे। तो हमने यहाँ से अंदर जाने का जुगाड़ कर लिया, मतलब जहाँ आ जाओ सीधे गाड़ी लेकर टापरी पास, यहीं सीधे, और अच्छा भी रहता है ना, साफ़ सुथरा क्या रहते हैं यहाँ गर्मी में। और कल ये पेड़ को भी थोड़ा सा छटवा देंगे क्योंकि हवा पानी आ गए कभी ज़्यादा कम तो ये टापरी नहीं बिगाड़ दे अपनी, इसलिए उनको भी कल छटवा देंगे। बाकी तो छटवा दिया, अभी ट्राली पे ही चढ़ के यहाँ की ये वाली, ये आधी कटी दिख रही है ना, ये वाली छटवा दिए। और बाकी अभी चलते हैं घर, और कल प्लान है कि हार्वेस्टर लगवा देते हैं अपने बच्चे वाले खेत में, मतलब 12 और 10 22 23 एकड़ का समथिंग अभी खेत बचा है अपना, और वो भी कटवा लेते हैं। और फिर उनमें भी मूंग बोने की तैयारी, पहले भूसा बनेगा तो उसके बाद अपन रोटावेटर कर देंगे और फिर मूंग बो देंगे उसमें। और बाकी ड्रालिक टायर 1020, इनमें ये गिट्टा गिट्टी बहुत फंस जाती है, चलो कोई दिक्कत नहीं है और ले लेंगे। क्या ये क्या नए टायर है ना, तो इनमें अभी जगह बहुत है तो ये गिट्टा गिट्टी फंस रहे हैं यहाँ पर, अभी नई ट्राली जो बिल्कुल, ये देखो कवानी की पन्नी भी नहीं उतरी अभी तो। और नाली वाली बस खिंचाने पे है, फिर चलते हैं घर सीधे। तो अभी भाई बज गए हैं शाम के 7 और मैं चल गया हूँ वो हॉलैंड वाली ट्राली लेने, क्योंकि बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं
तो अगर बाई चांस तेज ज़्यादा तो अनाज अपना एक आध दो बोरी जो बचा होगा वो गीला हो जाएगा, इसलिए मैं चल गया हूँ ट्राली लेने। और बादल तो बहुत हो रहे हैं, तो अभी मैंने बात की थी तो एक बोरी अनाज बचा था, लेकिन वो भी अब मूंग है बहुत महंगी है, इसलिए अपन चलते हैं ट्राली लेके आते हैं अभी। और बाकी खेत तो पता नहीं कितना हुआ, आधा से ज़्यादा हो गया है, बाकी कल सुबह वोएंगे जब तक अपनी मशीन नहीं आएगी, और मशीन आने के बाद फिर अपना खेत कट जाएगा। और इसमें अभी डीजल भी मतलब डाउन पे ही आ गया, तो कल सुबह चलेंगे एक बार एक कुप्पा डीजल लेकर आएंगे और फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। हाँ तो भाई आ गया हूँ मैं खेत में, और ये चल रहा अपना हॉलैंड सामने, और मेहर मार रहे हैं इसमें, मतलब जितना वो आ गया है ना उतना मेहर मार रहे हैं, और हवा की आवाज़ भी आती होगी क्योंकि पानी का मौसम बन रहा है। तो अभी देखते हैं कितना क्या बकरा गया है एक बार, ये चल रहा हॉलैंड। एक बोरी अनाज बचा है, अभी स्टार्ट करते हैं चलते ट्राली के पास। ट्राली में तो कुछ दिख नहीं रहा है अनाज मेरे को, मतलब खेत में ही पड़ी होगी। अभी बात कर ली है, अभी अपन ट्राली जोड़ने की जुगाड़ लगाते हैं, अकेला हूँ अब कैसे जोड़ूंगा। पट्टी यहाँ पड़ी है, चलो करते हैं जुगाड़ पानी। चलो मिलता हूँ ट्राली ढूंढने के बाद। तो भाई मैं चल रहा हूँ वापस ट्राली लेके, और एक लाश मार मार रहे हैं वो वहाँ पर। अब कल गेहूँ कटेंगे तो फिर कल का दिन देखते हैं, कल पानी नहीं आना चाहिए नहीं तो बहुत बेकार काम हो जाएगा। और गेहूँ कटने के बाद अपन भूसा मशीन की जल्दी कोशिश करेंगे कि भूसा मशीन लग जाए, फिर उसके बाद रोटावेटर फेर के और फिर उनमें भी मूंग बो देंगे अपन। ठीक है भाई, आज की वीडियो में था इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।